मैं हूं अंकिता सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। कृषि कानून को लेकर हो रहा देश भर में विरोध, किसान आंदोलन 43 दिन भी जारी। सरकार और किसानों के बीच वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन नहीं निकल पाया कोई भी समाधान। इसलिए प्राइम न्यूज 24 की टीम जेवर क्षेत्र के गांव निमका में जाकर लिया गरीब मजदूर किसानों की राय। 9वें दौर की बैठक में क्या हो पाएगा समाधान, जेवर से प्राइम न्यूज 24 के लिए समीर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, फिर एक बार आपके साथ मैं हूं समीर खान, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। इस वक्त हम मौजूद हैं जेवर क्षेत्र के गांव नीमका में, जहां पर किसानों का आंदोलन होते होते आज 43 दिन हो चुके, लेकिन अब तक कोई भी समाधान किसानों का नहीं निकल पाया। हालांकि लगातार किसान और सरकार के बीच में जो वार्ता हो रही है, बैठक हो रही है, उससे भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि दो बातों पर सहमति बन पाई है किसानों की। अब जो कल 9वीं दौर की जो बैठक है, 9 जनवरी को जो सरकार किसान के बीच जो बैठक होने वाली है, अब उससे ये राय लेने के लिए आए गांव के लोगों से कि क्या उम्मीदें उनसे सरकार से कि कल की जो बैठक होगी, क्या किसानों का धरना प्रदर्शन है, क्या वो आखिरी होगा, या फिर किसानों की सरकार कोई बात नहीं मानेगी। मेरे साथ है गांव के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या उम्मीद है जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर। लगातार 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। क्या उम्मीद है आपको सरकार कल बात मन पाए इसके? बोलो जाजी कहते हैं। ओह माय गॉड, कल जो बैठक होने वाली 9वें दौर की, उससे जानेंगे कि गांव के जो लोग हैं मजदूर हैं किसानों से जानेंगे कि आखिर किसानों को सरकार से क्या उम्मीद है, क्या 9वीं बैठक में सरकार किसानों की बात को मान पाएगी। बाबा, जिस तरीके से किसानों का धरना प्रदर्शन 43 दिन हो चुके हैं, ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही है, कल की जो बैठक होगी उससे क्या उम्मीद है आपको, सरकार किसानों की बात को मानेगी? कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जो कि सरकार काय की बात मान जाए जी। आई अब समझ में, चाहे सगरी दुनिया मर जाओ, जितने बालक बच्चे वहाँ लग रहे हैं ना नौकरी पे जी, वहाँ तो हिमदाद मिली हुई है जी, कह मैं इन पे कह दूंगा तो इन पे गोली छोड़ देंगे। अभी समझे, किसान की कोई ना सुने वो जी। हाँ, और बाबा बिल्कुल छोड़ मर जाओ, अगर मोदी की ध्यान हो तो न्यू कह दे तो भैया चलो ठीक है, जो कुछ मैंने बदल दिया बदल दूंगा समय, और आगे के लिए समय और देखूंगा जैसे हुआ। वो ना दे रहो कुछ भी सहारो, आप ट्रैक्टर भी गए 10 बार। बाबा, सरकार कह रही है कि किसानों के हित के लिए, लेकिन अगर पूरे देश का किसान वहाँ पे दिल्ली की सीमाओं पे पड़ा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ पा रही, सरकार क्यों नहीं समझ रही किसानों की बात पे? समझेगी वक्त खेती क्यारी कहा है हम पे, खेती क्यारी है सास है वो घर में धर ले होगा अपने, जब हम क्या कर लेंगे वो यूँ बताओ, या बैंक ने बंद कर ले तो हम क्या कर लेंगे? तो ये किसान की नहीं सुनेगा कतई भी, छोटी जाति को आदमी सुनेगा नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर और भी मजदूर हैं, उनसे भी लगातार बातें करेंगे, उनकी राय लेंगे, आखिर उनकी क्या राय है जो कृषि कानून को लेकर है। कल 9वीं दौर की बैठक होगी, क्या उम्मीद है सरकार किसानों की बात को मान पाएगी? बात और रही उनकी, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है जी। माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, और नहीं किसान, एक बात बताइए, जब ये सरकार किसान विरोधी तो है ही है। किसान विरोधी क्यों है? ये टाटा और मुकेश अंबानी इनकी सरकार है, जो वो कहते हैं उनके इशारे पर काम करती है। जब एक माननीय पानी की बोतल की कीमत 20 रुपए है जी। और वो 20 रुपए की मिलती है हर जगह, तो हम देश के अन्नदाता इतनी मेहनत करके नहीं है, अन्न कमाते हैं, और हमारे गेहूं का रेट 1925 रुपये कुंटल करके, और जब हम 1650 रुपये कुंटल जो का बिचौलियन को गेहूं बेचते हैं, तो हमारा दिल नहीं दुखता है? किसान कितना परेशान होता है, हम पे दुनिया देश के टैक्स लगा दिए, बिजली के कितने बिल बढ़ा दिए, पानी कितना महंगा कर दिया, और जो क्या सरकार तो कह रही है बिजली और जो पानी है किसानों के लिए काफी कुछ किया, उन्होंने बदलाव किया है। कितने परसेंट आदमी है कागज में ज्यादा है, देखने को कुछ भी नहीं है मौके पे, कितने ने मिला कुछ भी नहीं मिला, गिनती करो गांव में आके, नहीं है ये दिखाओ कि हमने बाजरे को रेट कर दिया 1800 को, कितने बाजरों खरीदो गवर्नमेंट ने, हमें दिखाओ तो सही, कहाँ खरीदो? घरों में बाजरों, घर घरों में बाजरों, कहाँ बाजरे, कहाँ बाजरों हमारे घरों को लेवल दिया। अच्छा, कोई रेट निकल कर नहीं आया उसका? निकल गया, कोई 1200 मांगे, कोई 1000 मांगे, कोई 900 मांगे, कोई खरीदारी दो। अच्छा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो किसानों की जो समस्या है वो काफी समस्या है, लेकिन जो 9वीं दौर की जो बैठक होगी, अब ये पता लगता है कि आखिर
सरकार किसानों की बातों को क्यों नहीं मान रही है? आखिर अंकल जी लगातार 43 दिन हो चुके हैं किसानों का आंदोलन होते होते, लेकिन सरकार समझ नहीं पा रही है किसानों की जो बात है उसको नहीं कर पा रही है। कल जो बैठक हुई थी उससे क्या उम्मीद है? क्या सरकार बात को मान पाएगी? इस पर बात बताएगी? नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी कहते। हाँ नहीं मानेंगे, बात हकीकत की है। जो मोदी जी अपनी चलाएंगे, हाँ किसान मजदूर की तो मानते ही नहीं है। हम अपने खेत में काम करें तो हमें इतने रखना है कि अपने खेत की जो हमारे खेत में पराली या कोई चीज भी हो हम पर उन पर प्रतिबंध लगा दियो, उन पर क्यों प्रतिबंध जी। इतनी गौशाला बनाई है क्यों बहन? जो किसान परेशान है, जो किसान की सीधा शोषण है रहा, किसान की फसल में सरेआम नुकसान है रहा, किसान मर जाए लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए। जी जी जी, पराली के ऊपर सरकार ने और जो किसान है जो पराली जलाते थे उन पर भी कानून बनाया था कि जो लोग पराली जलाएंगे उनके साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी कानून के तहत। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े जो शहर हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कंपनियां हैं, अगर उनसे प्रदूषण का जो धुआं आता है निकल कर उससे प्रदूषण नहीं होता है, किसान की पराली जलती है तो उससे धुआं होता है। जो इतने बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे तो धुआं होता नहीं है, किसान की पराली जलने से जो धुआं प्रदूषण होता है और प्लास्टिक जल रही है, धुआं कर रही है, वह रबड़ से तो कोई मरना रहो जी। और यह किसान के नेक पताई से जलाने से जो तमाम देश मर रहे और मोदी भी मर रहे हाँ। और मोदी हमें पूछे भैया अलग कर तो हो तो देश के सब आदमी ने मार के नहीं है और कतई भी प्रदूषण नहीं होगा, हमारे ढोड़े आ जा भैया समीर। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए काफी कुछ किया है, कछु ना करो कहा हाँ। करो मोदी ने कर रजाई दे रो का ये क्या मर बांट लो कर जल्दी जल्दी खा खा के बीमार है जा मर जा। सही बात है, यहाँ पर महिला भी है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर लगातार अम्मा जी किसान जो है धरना पिटीशन पे 43 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं मान पा रही है। क्या सरकार को किसानों की बातों को मान लेना चाहिए क्योंकि ठंड इतनी कड़ाके की है और किसान वहाँ पर अभी डटे हुए मान लीजिए मोदी तो बहुत ही बेईमान है जी। उन्होंने कहा और किसान है तो भूखो मारी बोले किसान और मजदूर है तो अम्मा आप कुछ कह रही थी हाँ। खूब कह रही कि किसान ये मोदी या चावलन ने बिखरो तो बड़ी बूढ़ी ने तो कल मरे तो आज मर जाएगी और चावलन ने बांट दिया ढाई ढाई किलो कह जा जो सुगा सगरी फसल है खा जा और कट्टा कर रखे वो फिर मेरे महंगे खाद के दवाई के तो यहाँ पर ये सारे लोग मजदूर हैं किसान हैं जो लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। हालात की जो सरकार कृषि कानून लेकर आई है उससे किसानों को कोई भी मतलब कोई भी फायदा नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार उनकी बातों को नहीं मान पा रही है। लेकिन यहाँ पर और भी बाबा क्या लगता है कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए? हाँ ये तो किसान है मजदूर है मार के जी जी का मरेगा ना हाँ नहीं ना मरेगा हाँ ना पीछे मार के मरेगा मार के मरेगा 1960 बोरी कर रखी है घर की और 30 रुपया किलो चार हुआ कहाँ तक बन पाएगा किसान? अच्छा किसान हाँ सरकार कह रही है कि किसानों के लिए काफी कुछ कर रही है सरकार किसान कर रही है कुछ भी ना कर रही तेल बिक रहा जो 140 रुपया किलो दे रहे हैं तेल हाँ गरीब आदमी कहाँ से खा रहा तेल बताओ फसल का रेट आपके धानों का कितना था? 1800 रुपया कौन सा को 1800 को 1800 रुपया मेहनत निकल पाएगी नानगरी सिलेंडर भी कर दियो भाई किसानों का लेकिन हालात के जो किसान मजदूर उनका कहना ये कि जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए और इनकी समस्या को दूर किया जाए। मैं समीर का मजदूरी भी ना मिल रही मजदूर आपको क्या बैठक में सरकार बात करी
कतई नहीं करेगी क्योंकि मुझे भी किसानों को देखते हुए मैं भी किसान धरने में गया था वहाँ पर शासन ने नजर बंद कर दिया उनसे जाने नहीं दिया और दुर्गा जिला बॉर्डर पर। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देश की हालत इतनी बिगड़ रही है कि सबसे ज़्यादा किसान मजदूर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला इस सरकार में। अच्छा, तो लगातार आप देख रहे हो जो किसान मजदूर उनका काफ़ी क्रोधित है कृषि कानून को लेकर, तो लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन है वो 43 दिन भी लगातार। आप सवाल ये कि क्या सरकार कल 9वीं दौर की बैठक में किसानों के हित में बात करेगी या नहीं करेगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैं समीर का प्रंश 24।